वेलकम बैक। ये कहानी है नेपाल की। एक लड़का जिसका नाम राजीव था। राजीव दिल्ली में रहा करता था। राजीव की अभी नई नई शादी हुई थी। राजीव एक ऐसी कंपनी में काम किया करता था जो कंपनी राजीव को नए नए लोगों से, नए नए कस्टमर से मिलने के लिए भेजा करती थी। राजीव कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी कर्नाटक, कभी महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग जगहों पर जाया करता था। इस वजह से राजीव कहीं अपना घर लेकर भी नहीं रहा करता था। अब राजीव की शादी हो चुकी थी, राजीव को नेपाल जाना था, तो राजीव ने सोचा कि ना वो अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर के जाए। फिर राजीव और राजीव की पत्नी एक साथ ही नेपाल चले गए। उन्होंने नेपाल में एक ऐसी जगह पर घर लिया जहाँ पर घर बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। राजीव को वहाँ पर पूरे 2 महीने के लिए रुकना था और उस जगह पर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। फिर 1-2 दिन के बाद राजीव अपने काम से बाहर चला गया कस्टमर से मिलने के लिए। इधर राजीव की पत्नी घर में बिल्कुल अकेली थी। वो घर से बाहर निकली ताकि उसका टाइम पास हो सके। उसने देखा कि काफ़ी दूर उसके कुछ पड़ोसी भी रहते हैं। राजीव की पत्नी उस तरफ चली गई। वहाँ जाने के बाद राजीव की पत्नी कुछ औरतों से मिली। उन लोगों से राजीव की पत्नी ने बताया कि वो यहाँ पर बिल्कुल नई है। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने राजीव की पत्नी को काफ़ी शॉपिंग भी कराई और पूरी जगह घुमाई। लेकिन थोड़ी सी ही शाम होते ही वो सभी लोग अपने अपने घर में आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पर शाम होते ही बर्फ़ गिरने लगती थी। फिर एक दिन रात के वक्त राजीव और उसकी पत्नी जग ही रहे थे। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। राजीव ने घर का हीटर ऑन कर रखा था और रजाई में दोनों लेटे हुए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। राजीव की पत्नी राजीव से कह रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड में अगर किसी को बाहर 1 मिनट के लिए भी खड़ा कर दिया जाए तो वो तो बेचारा ठंड के मारे ठिठुर के ही मर जाएगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है और ऐसी ठंड में। फिर राजीव की बीवी उठी और वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी। अचानक ही राजीव ने कहा कि तुम रुको, 1 मिनट, मैं जाता हूँ। राजीव गया और वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसने सोचा, एक बार मुझे खिड़की से बाहर देख लेना चाहिए कि कौन है। जब राजीव ने घर के बाहर खिड़की से देखा तो बाहर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। राजीव ने अपनी बीवी से कहा, हो सकता है हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से हमें ऐसा लगा हो जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो दोनों फिर से अपने बेड पर लेट गए और कुछ देर के बाद अचानक ही एक बार फिर से किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। राजीव तुरंत उठकर गया और उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर फिर से उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अब वो दोनों दोबारा से बेड पर लेटे हुए थे। कुछ देर तक वो बात करते रहे, फिर वो सोने ही वाले थे। अचानक ही उनको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि उनके घर के बाहर बैठकर कोई रो रहा हो। राजीव ने एक बार फिर से अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक छोटा बच्चा बाहर हंसते हुए नज़र आया। राजीव को ये बहुत ही अजीब सा लगा। फिर राजीव ने अपनी पत्नी से बताया, अभी तक ये बच्चा घर के बाहर रो रहा था, जैसे ही मैंने इसको देखा तो ये हंसने लगा। राजीव की पत्नी ने कहा, तुम ऐसा करो, दरवाज़ा खोल कर देखो आखिर ये किसका बच्चा है। फिर राजीव कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं, वो बच्चा बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है। वैसे भी इतनी ठंड में कोई बच्चा आखिर अपने घर के बाहर कैसे हो सकता है। फिर राजीव की पत्नी कहने लगी, तुम रुको, मुझे देखने दो। राजीव की पत्नी खिड़की पर गई और उसने बाहर देखा तो उसे कोई भी बच्चा नज़र नहीं आया। राजीव ने उससे बताया, अभी तो मैंने यहीं पर उस बच्चे को खड़ा हुआ देखा था। वो दोनों जने ये बातें कर ही रहे थे कि फिर अचानक ही एक बहुत ही हल्की सी और बहुत डरावनी सी आवाज़ आई जो ये कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, क्या तुमने सुना नहीं, दरवाज़ा खोलो। अब यह आवाज़ उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। फिर राजीव बोला, आखिर ये सब क्या है, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अचानक ही राजीव की पत्नी को याद आया कि उसके पड़ोस में रह रही कुछ औरतें जो उसकी दोस्त बन चुकी हैं, क्यों ना उनके पास फ़ोन किया जाए। राजीव की पत्नी ने एक औरत के पास फ़ोन किया और उससे बताया कि मेरे घर के बाहर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कभी तो वो मुझे नज़र आता है और कभी नज़र नहीं आता, और वो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। अचानक ही वो औरत बोली, बेटी क्या तुमने दरवाज़ा खोल दिया।
राजीव की पत्नी बोली, नहीं अभी तक हमने दरवाज़ा नहीं खोला है। फिर वो औरत कहने लगी, बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना और कैसे भी करके दरवाजे पर कोई ऐसी सपोर्ट लगा दो ताकि दरवाज़ा ना खुले। राजीव की पत्नी बोली, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो, वो छोटा सा बच्चा है, ठंड बाहर बहुत ही ज़्यादा है, मैं सोच रही हूँ कहीं वो ठंड में अकड़ के मर वर ना जाए। फिर वो औरत बोली, वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक बच्चे की आत्मा है जो इसी ठंड में एक रोज़ मर गया था। जब जब इस जगह बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, ये बच्चा अचानक ही कहीं से आ जाता है और लोगों से दरवाज़ा खोलने को कहता है। जो भी अपना दरवाज़ा खोल देता है, ये उसके पूरे परिवार को घर के बाहर ले जाकर इसी बर्फ़ में दबा देता है। तुम अपना ख्याल रखना और घर का दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। राजीव की बीवी फ़ोन पे बात कर ही रही थी कि अचानक ही किसी ने दरवाज़े को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। राजीव जैसे ही दरवाज़े की तरफ बढ़ा, अचानक ही उसकी बीवी दरवाजे के सामने आ गई और उसने राजीव से कहा, हमें दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। राजीव की बीवी ने राजीव से बताया कि उसकी उस औरत से क्या बात हुई है। ये बातें सुनने के बाद राजीव थोड़ा सा डर गया और उसकी पत्नी भी डरने लगी। इसके बाद राजीव ने घर के बड़े बड़े सामान उठा करके दरवाजे के सामने रख दिए ताकि दरवाज़ा बिल्कुल भी ना खुल पाए, और अपने घर की खिड़कियां भी राजीव ने बंद कर लीं। और वो दोनों जने बेड के ऊपर रजाई से अपने कान बंद करके लेट गए ताकि बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ ना आ पाए। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। राजीव ने अपनी बीवी से कहा, शायद वो आत्मा यहाँ से चली गई क्योंकि काफ़ी देर हो गई और बाहर सब कुछ शांत है। फिर अचानक ही किसी ने बहुत ही आराम से उनके दरवाज़े पर बाहर से हाथ मारा। फिर थोड़ी देर के बाद दो तीन बार फिर से उनके दरवाज़े पर हाथ मारा और एक बच्चे की आवाज़ बाहर से आई। वो कह रहा था, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़ोरों से ठंड लग रही है, तुम दरवाज़ा खोल दो, मुझे भी अंदर आने दो, मैं ठंड में मर जाऊँगा, दरवाज़ा खोल दो। इस बच्चे की आवाज़ इतनी ज़्यादा मासूमियत भरी थी कि राजीव को ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उसे यह भी ध्यान था, ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो कोई शैतानी आत्मा है। उसके बाद अचानक ही राजीव की खिड़की का कांच टूटकर नीचे गिरा और उस खिड़की से उस बच्चे का चेहरा दिखने लगा। वो चेहरा तो एक छोटे से बच्चे का ही था, लेकिन इतनी रात के वक्त ये चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। और वो बच्चा बाहर खड़े होकर के मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अंकल दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर आने दो, बाहर मैं मर जाऊँगा, ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन राजीव दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर अचानक ही उस लड़के की आँखें लाल हो गईं और चेहरा काला सा पड़ने लगा और खिड़की पर वो अपने दोनों हाथ रख कर के वहीं खड़ा हो गया। अब उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। राजीव और उसकी पत्नी डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे और उस बच्चे की तरफ ही दोनों की निगाहें थीं। राजीव की पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ घर बहुत ज़्यादा दूर दूर थे, इस वजह से उन्हें कोई बचाने भी नहीं आ सकता था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर राजीव ने अपनी पत्नी से कहा, तुम एक बार फिर से उस आंटी को फ़ोन करो और उनसे पूछो कि इस बच्चे से छुटकारा कैसे पाया जाए। राजीव की बीवी ने उस औरत के पास फिर से फ़ोन किया तो उस औरत ने बताया कि वह बच्चा अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन तुम किसी भी तरीके से घर का दरवाज़ा मत खोलना, वो खिड़की से घर के अंदर नहीं आएगा, अगर तुमने घर का दरवाज़ा खोल दिया तो वो दरवाज़े से ही घर के अंदर आ जाएगा, इसलिए तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना, घर का दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। फिर अचानक ही उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया और वो बच्चा खिड़की पर खड़े होकर के रोने लगा, जैसे कि नॉर्मल बच्चे रोते हैं, और वो बच्चों की तरह ही ज़िद करने लगा कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन राजीव दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद फिर से उस बच्चे ने अपना चेहरा वैसा ही बना लिया, यानी उसकी आंखें लाल हो गईं और पूरा चेहरा काला पड़ गया, जो अब देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। राजीव और उसकी बीवी उस बच्चे की तरफ देखे ही जा रहे थे और वो बच्चा भी उनकी तरफ देखे जा रहा था। ऐसे ही देखते देखते 4 से 6 घंटे हो गए और अब सुबह होने वाली थी। सुबह तक वो बच्चा खिड़की पर ऐसे ही खड़ा रहा, ना हिला ना डुला और ना ही कुछ बोला। फिर अचानक ही उस बच्चे का चेहरा धुएं की तरह उड़ने लगा और देखते ही देखते वहाँ से वो बच्चा एकदम गायब हो गया।
काफ़ी देर के बाद राजीव उठा और उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वो बच्चा उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। अब राजीव की जान में जान आ गई और लगभग 2 से 3 घंटे के बाद फिर सवेरा भी हो गया और लोग राजीव के घर पे आए और पूछा, कहीं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उस आत्मा ने? राजीव की बीवी ने बताया कि अगर मैं आपको फ़ोन ना करती और दरवाज़ा खोल देती तो शायद हमें वो बच्चा नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।